नमस्कार YouTube परिवार, मैं हूं प्रतिभा और आप हैं आपके अपने चैनल UB32 जिंदगी जिंदाबाद में। बहुत दिनों से अंतराल हो गया है और मैंने कोई वीडियो नहीं डाला है। उसका मेन रीज़न ये था कि मैं खुद में खुद को ढूंढना चाहती थी, मैं एनालिसिस करना चाहती थी। पिछले एक हफ्ते से मैंने अपने मेडिटेशन और अपने स्लीपिंग स्केड्यूल पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। जब कोई चीज़ आप क्रिएटिव करते हैं तो भी बहुत सारे थॉट्स आपके दिमाग में चलते ही रहते हैं। मेरे साथ भी ऐसे ही होता है, कई सारे थॉट प्रोसेस चलते रहते हैं, क्या करना है, कैसे करना है, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं जो कभी भी आपको चैन नहीं लेने देती। तो मेरे लिए भी एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था कि जब आप अपनी जिम्मेदारियों से थोड़े से लापरवाह हो जाते हैं और थोड़ा सा ज़्यादा समय अपने लिए देते हैं तो आपको कैसा लगता है। इन वेलबींग में आपको बताना चाहती हूँ, आई एम ए कैप्रिकॉर्न और कैप्रिकॉर्न्स की आदत होती है, अगर उन्होंने एक क्वेश्चन लिया है और वो रेक्टेंगुलर ही रखना है तो मतलब उसे रेक्टेंगुलर ही रखना है, वो ट्राइंगुलर नहीं रखा जा सकता। तो मेरे को बहुत ज़्यादा चीज़ों के साथ ऐसे दिक्कतें होती हैं, अगर मुझे कोई चीज़, अगर मेरा वास एक तरीके से रखा है तो वो वैसे ही रखा होना चाहिए। तो मैंने अपने इन जो पर्टिकुलर एबिलिटीज़ थी उस पर मैंने थोड़ा सा फोकस किया और खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करी और मैंने पूरा टाइम दिया है अपने आप को। जब मैंने ये एनालिसिस किया तो मुझे बहुत ज़्यादा रेस्ट की कमी अपने अंदर नज़र आई और मुझे नींद का जो मेरा वो स्केड्यूल था जो बिल्कुल बिगड़ा हुआ था, मैंने उसको बहुत बखूबी पूरा किया। आप लोग मुझे देख करके पता कर सकते हो, आपको देख के लग सकता है आई एम सो रिलैक्स नाउ। तो मैं वो छोटी सी क्लिपिंग अपनी किसी एक कविता में आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। मैंने बहुत कम शब्दों में उसे पिरोने का प्रयास किया है। अगर आपको पसंद आता है तो उसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। ये मेरे लिए एक अच्छा मोटिवेशन है और साथ में ही ये ऊर्जा मिलती है जब आप नहीं रहते हैं और आपके पास मैसेजेस आते हैं, आपसे कंटिन्यूसली लोग जुड़ते हैं। मैं उनके लिए स्पेशल थैंक यू कहती हूँ जिन्होंने मुझे इस चीज़ के लिए प्रमोट किया और मुझे बार बार पूछ रहे थे, मैम आप कहाँ हो, आप इतने दिनों से वीडियो क्यों नहीं डाल रहे हो, यदि आप कहाँ हो आप वीडियो क्यों नहीं डाल रहे हो। तो मुझे वो केयर, वो लव फील हुआ और मैंने जब ये केयर प्रोसेस अपने लिए किया तो ये मैंने अपने लिए ही नहीं अपने लव वंस के लिए भी किया जो मुझे प्यार करते हैं, जिन्हें मैं प्यार करती हूँ। तो बिल्कुल भी आगे ना बोलते हुए आप इंजॉय कीजिएगा और प्लीज़ इग्नोर माई डोर बेल क्योंकि कोई ना कोई घर में आता जाता रहता है, तो मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ। आप वीडियो इन्जॉय कीजिए। खुद से प्यार करना बहुत ज़रूरी है, साथ के साथ एक स्वस्थ मन और शरीर का होना बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी की आपाधापियों ने हमें कुछ यूं घेरा हुआ है कि हम कुछ जिम्मेदारियां छोड़ ही नहीं सकते, उनके साथ घुलते मिलते भी अपने लिए समय निकालना कठिन हो जाता है। मैंने कुछ लास्ट डेज पे अपने आप को ऐसे ही फोकस किया है जहां मैंने आपाधापियां छोड़ दी हैं और जिम्मेदारियों को निभाते निभाते उनसे परे होकर के लापरवाह हो जाना सीखा। अगर आपसे दिल की बात कहूं और अपनी फीलिंग को बताऊं तो मैं सच कहती हूं कि जो काम करने का आदि है ना, उसके लिए लापरवाह हो कि काम ना करना अपने आप में सबसे बड़ा काम है। तो इन्हीं चीज़ों पे इससे इंस्पायर होते हुए मैंने एक कविता लिखी है, तो वो कविता मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ। कभी कभी कुछ ना करना भी ज़रूरी है, ये रह गया तो वो हो जाएगा, वो नहीं हुआ तो ये हो जाएगा, इससे उबरना बहुत ज़रूरी है, कभी कभी कुछ ना करना भी बहुत ज़रूरी है। काम बहुत है, जिम्मेदारियाँ बहुत हैं, हदें बहुत हैं, संभावनाएं बहुत हैं, बिन सोचे समझे कभी कभी सांस ले लेना भी ज़रूरी है, कभी कभी कुछ ना करना भी ज़रूरी है। मैं कहती हूँ कि नकारात्मकता का हलाहल विष क्यों पिया जाए, क्यों ना बस शिव का होकर जिया जाए, जिसमें कोई रोष ना हो, विघ्न ना हो, बोझ ना हो, कुछ आलसी सा मन हो पर दूसरों के लिए प्रार्थना हो, वसुधैव कुटुंबकम हो, किसी के लिए गैर भावना ना हो, कभी कभी खामोश रहा जाए, समझा सब जाए पर कुछ ना कहा जाए। एक बात जान लीजिए कि कुछ तमन्ना हर किसी की अधूरी है, इसीलिए कहती हूँ कि कभी कभी कुछ ना करना भी बहुत जरूरी है। इत्मीनान भूल बैठे हैं, मन अशांत सा है, जहन में हजारों शूल बैठे हैं, नींद अधूरी, बात अधूरी, रात अधूरी है, कभी कभी कुछ ना करना भी बहुत जरूरी है। आपाधापी सुकून नहीं लेने देती, हजारों मर्यादाएं हैं जो कुछ नहीं कहने देती, असीमित संकीर्णताओं में, संख्याओं में कभी कभी शून्य सा होना बहुत जरूरी है, इसलिए कहती हूं कि कभी कभी कुछ ना करना भी बहुत बहुत जरूरी है।
जिंदगी में हम बहुत कुछ प्लान करते हैं और प्लान के साथ साथ शायद पूरा दिन स्केड्यूल रहता है, ये करना है, वो लाना है, उससे मिलना है, वहाँ जाना है। ये सरप्राइज तब बड़ा खूबसूरत हो जाता है जब बिना प्लान के आपके पास कोई आपसे मिलने आता है, आपकी चिंता करता है। तो वो मुझसे मिलने के लिए अनुजा घर आई हुई है। अनुजा मेरी छोटी बहन जैसी है, हमने साथ में स्कूलिंग करी है जहाँ पे मैं अनुजा की सीनियर थी। तो हमें लगता है हम एक दूसरे को कुछ 12-15 सालों से जानते हैं, बल्कि और ज़्यादा। लेकिन उसका आना, हमारे आपस में बैठ के बात करना, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। एक थेरेपी है आपके पास, जब कोई आपका चाहने वाला आता है, आपको पूछता है, तो आप बहुत अच्छा फील करते हो। तो ये सरप्राइज़ मेरे लिए बहुत अच्छा था लास्ट डेज पे, तो मुझे बहुत मज़ा आया। लास्ट वीक मेरा पूरा ऐसे ही गया जहाँ पे मैंने अपने आप पे फोकस किया है, चीज़ों पे फोकस किया है, वहाँ पे मेरे लिए प्यारा सा सरप्राइज़ था। और हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कशन करी अबाउट हमारे ब्लॉग के बारे में, मेरे यूट्यूब चैनल के बारे में, ज़िंदगी के बारे में, और कुछ पॉजिटिव ऑरास के बारे में कि मॉर्निंग उठ करके वो 4 बजे वाली एनर्जी जो होती है वो बहुत रिफ्रेशिंग होती है। तो मैं उससे वही बता रही हूँ कि मेरे लिए सुबह 4 बजे उठना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं मॉर्निंग पर्सन बिल्कुल भी नहीं हूँ। लेकिन अच्छा लगा साथ में बैठ करके, चाय का कप शेयर करने वाला जब साथ में हो और गप्पे हो तो उसका स्वाद बढ़ जाता है। नमस्कार यूट्यूब परिवार, मैं हूँ प्रतिभा और आप हैं आज मेरे साथ यूपी 32 जिंदगी जिंदाबाद में। जैसा कि बहुत दिनों से कोई टॉपिक लेकर के नहीं आई हूँ, क्योंकि मैं अपने मी टाइम को एंजॉय कर रही थी। आज मेरी छोटी बहन मुझसे मिलने आई हुई है। मैं ये बताना चाहती हूँ कि जिंदगी में कुछ कंस्ट्रक्टिव ही करते रहना जरूरी नहीं है, आपको अपने लिए कुछ एक आध समय निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको खुशी देता है। मतलब मीट योर लव्ड वंस, जिनके साथ आप परपंच ना करें, अपनी दिल की बातें शेयर कर सकें। तो मेरा और अनुजा का आज वही मी टाइम है। हमें लगता है कि हम एक दूसरे को कब से जानते हैं, मुझे लगता है 10-12 साल से ज़्यादा हो गया। तो मतलब हमारा बॉन्ड जो है वो अब आकर के बना है, मतलब हम ऐसे खोए हुए ना, ये बंधन तो प्यार का बंधन है जो बने, अब पता चल रहा है। तो आगे दिन में कितनी बार बात करनी होती है, तो बहुत करनी होती है, हमें छोटी छोटी बातें पूछनी होती है, लेकिन ये हम लोगों के लिए एनर्जी बूस्टर का काम करती है। हम बुराई नहीं करते, हम कंस्ट्रक्टिवली ये करते हैं कि आज हमने कौन सा पेड़ लगाया, आज हमने नया क्या बना। तो गाइस मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिंदगी में ये छोटे छोटे मोमेंट इन्जॉय करना बिल्कुल भी बंद मत करिए। आप कितने बिजी क्यों ना हो, सैटरडे संडे या फिर और कोई भी वीक में भी आप ही टाइम निकाल सकते हैं, सैटरडे संडे का कोई मुहूर्त नहीं है। और एक पर्सन ऐसा जरूर होना चाहिए जो यू कैन टॉक ईच एंड एवरीथिंग एनीथिंग ऑन दिस अर्थ, ये बात बिल्कुल सही है। और आपको ना जो एक ऐसा पॉजिटिव फील करा सके कि हाँ आप जो कर रहे हो बेहतरीन है, आप आगे भी जो करोगे आप कर सकते हैं। आज हमने खाने में स्पेशल बनाया है छोला भटूरा और उसकी फोटो हम शेयर करेंगे आपको थाली में लगाने के बाद, क्योंकि वो बन चुका है, रेसिपी नहीं मिल पाएगी वो किसी और अनदर ब्लॉग में। तो गाइज लव यू ऑल और फिर मिलती हूँ किसी अनदर ब्लॉग में कुछ और अच्छी बातें लेकर के। तो तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, मी प्रतिभा साइनिंग ऑफ।